प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें। जी सर, सर हमारा टॉपिक पर सुनना, वो ग्रुप में नोट्स सेंड किए हैं तो आप स्क्रीन शो करवा दें। कौन सा है आपका टॉपिक? सर परसेप्शन। पहले करें स्टार्ट तो करें आप। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज फातिमा एंड माय टॉपिक इज परसेप्शन। लेट्स स्टार्ट। आवर ब्रेन इज मार्वेलियस मिस्टिफाइंग ऑर्गन। हमारा जो दिमाग है वो एक अनोखा पचीदा ऑर्गन है। इट एनेबल्स अस टू एक्सपीरियंस आवर सराउंडिंग्स, टू रिमेंबर और फॉरगेट पास्ट एक्सपीरियंस, टू लर्न न्यू स्किल्स and modify our habits and to express our feelings, emotions and sensations in the most meaningful ways. इसने हमें इस काबिल बनाया कि हम अपने surroundings को experience कर सकें, अपना जो past experience है उसको या भुला सकें या याद रख सकें, new skills को learn कर सकें, अपनी habits को modify कर सकें और अपनी feelings, emotions और sensations को different ways में express कर सकें। However, the brain cannot function in a vacuum. जो हमारा दिमाग है वो वैक्यूम में काम नहीं करता, मतलब खाली जगह पे काम नहीं करता, क्योंकि उसको कंटिन्यूस इंफॉर्मेशन चाहिए होती है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। अब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है वो हमारी बॉडी है, मतलब हमारा जो ब्रेन है उसको कंटिन्यूस इंफॉर्मेशन चाहिए हमारी बॉडी से फंक्शन करने के लिए, क्योंकि वो वैक्यूम में फंक्शन नहीं कर सकता। This information is transmitted by sensory nerves from different sense organs to the brain. ये जो इंफॉर्मेशन है ये सेंस ऑर्गन, हमारे सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक जाती है थ्रू सेंसरी नर्व्स, वेयर इट इज प्रोसेस्ड टू फॉर्म आवर परसेप्शंस ऑफ वर्ल्ड इन विच वी लिव। और वहां पे ये रद्दअमल होता है कि इस इंफॉर्मेशन को हम लोग प्रिसाइज करें उस दुनिया के बारे में जिसमें हम लोग रह रहे होते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने परसेप्शन की डेफिनेशन बताई हुई है। दिस स्टडी ऑफ परसेप्शन इज कंसर्न्ड विद आइडेंटिफाइंग द प्रोसेस through which we interpret and organize the sensory information to produce our conscious experience of objects and object relationship. ये जो perception की study है ये concern करती है कि हम लोग उस process को identify करें जिसके जरिए कोई भी चीज़ हमारी sensory information को interpret करें या organize करें और एक conscious experience produce करें object का और हमारे दरमियान की relationship। इससे इन शॉर्ट हम ये भी कह सकते हैं कि हम चीज़ों के बारे में क्या सोचते हैं ये हमारे परसेप्शन है, या हमारा चीज़ों के साथ ताल्लुकात क्या है इसको भी हम लोग परसेप्शन कह सकते हैं। इन शॉर्ट परसेप्शन है क्या? परसेप्शन इज अवेयरनेस, कॉम्प्रीहेंशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग। किसी भी चीज़ की आगाही, अक्ल फहम और सूझबूझ को हम लोग परसेप्शन कहते हैं। अब इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। यू रिकॉग्नाइज योर फेवरेट फूड बाय इट्स अरोमा। आप अपनी जो पसंदीदा खुराक है उसको अरोमा से, उसकी खुशबू के साथ पहचान सकते हैं। रिकॉग्नाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन। अब कोई भी चीज़ जो है वो हमारी सेंसरी इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करेगी या रिकॉग्नाइज करेगी, वो सारी चीज़ें जो हैं वो परसेप्शन की एग्जाम्पल्स में आ जाएंगी। सच एज साउंड, स्मेल आर ऑल पार्ट्स ऑफ परसेप्शन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रॉम सेंसेशन टू परसेप्शन। First of all, we see what is sensation. Sensation is the process that allows our brain to take information through our five senses. जो sensation है वो अमल है कि वो हमारे दिमाग को permission देती है कि वो information ले हमारी five senses से। It is almost impossible to separate sensation from perception. ये तकरीबन नामुमकिन है कि हम लोग sensation को perception से अलग कर सकें। अब यहाँ पर इन्होंने sensation और perception का जो है वो difference दिया हुआ है। Sensation refers to a physiological process by which our nervous system registers various sensory stimuli. जो sensation है वो एक physiological process है जिसके जरिए हमारा nervous system register करता है various sensory stimuli को। अब इन्होंने perception का बताया हुआ है। Perception on the other hand refers to the process by which our brain arrives at a meaningful interpretation of basic sensations. कि जो हमारी sensation से हमें information आती है उसको interpret करके, meaningful interpret करके और उसको brain तक पहुँचाने का जो process है उसको हम लोग perception कहते हैं। In other words, our brain cannot directly detect the presence of various forms of physical energy.
दूसरे वर्ड में हम ये भी कह सकते हैं जो हमारा दिमाग है वो फिजिकल एनर्जी के मुख्तलिफ अकसाम की मौजूदगी को डायरेक्ट डिटेक्ट नहीं कर सकता, लाइक लाइट, हीट, साउंड, स्मेल, जो कि मुसलसल हम पे बम्बार्ड हो रही होती हैं। अब हमारी सराउंडिंग में काफी ज्यादा ऑब्जेक्ट और स्टिमुलाइज मौजूद होते हैं, लेकिन जो हमारा ब्रेन है वो एट अ टाइम उसी पे प्रिसाइज करता है कि जिसको जिसको हम लोग फोकस कर रहे हैं। अगर हमारी सराउंडिंग्स में काफी ज्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं लेकिन हम लोग सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट को फोकस करना चाह रहे हैं तो हम लोग सिर्फ उसी को ही प्रिसाइज कर सकेंगे, सारे सब ऑब्जेक्ट्स को एट अ टाइम हम लोग प्रिसाइज नहीं कर सकते। यहाँ पे भी अब इन्होंने ये लिखा हुआ है रेदर इट कैन रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ न्यूरल इम्पल्सिस, कि ये सिर्फ जो न्यूरल इम्पल्सिस के डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं उनको जवाब देता है। डेटा ट्रांसमिटेड टू ब्रेन थ्रू स्पेशलाइज्ड सेंसरी नर्व, जो कि ट्रांसमिट हो रही होती है सेंसरी नर्व से ब्रेन तक, मतलब जो इन्फॉर्मेशन हमें सेंसरी नर्व से ब्रेन तक सिर्फ जो जा रही होती है सिर्फ ये उनको जवाब दे होता है। Perception is not a passive process of simply absorbing and decoding incoming sensations. जो perception है वो एक passive process नहीं है, simply हम ये कह सकते हैं absorbing हमारे पास होता है जज़्ब करना और decoding हमारे पास होता है कोई भी मुश्किल बात है उसको सिंपल वर्ड में ट्रांसलेट कर देना, मतलब सिंपल ट्रांसलेशन को हम लोग डिकोडिंग कहते हैं। तो पैसिव यहाँ पे कहा हुआ है कि जो परसेप्शन है वो एक पैसिव प्रोसेस नहीं है, मतलब गैर इरादी तौर पे हम लोग हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आ रही है सेंसेशन से वो उसको हम लोग सिंपली अब्जॉर्ब कर लें या डिकोड कर लें, ये पैसिव प्रोसेस नहीं है। इफ इट वर्ड, अगर ये ऐसा होता, मतलब अगर ये पैसिव प्रोसेस होता कि हम लोग सिर्फ किसी भी चीज को अब्जॉर्ब करते या डिकोड करते तो our surrounding of external environment would be poor indeed. तो फिर हमारी जो external environment की जो understanding होती वो बहुत poor होनी थी, मतलब जो हमारे environment में जो objects जो चीज़ें थी हमें उनकी information होनी नहीं थी, सिर्फ उनका हमें meaning पता होने थे या easy words में उनके नहीं पता होने थे, तो इसलिए इन्होंने कहा कि हमारी understanding बहुत poor होनी थी अगर ये passive process होता तो। The real sense would be constantly changing. जो हमारे देखने के मनाजर है वो मुसलसल चेंज होते रहते हैं। Confusing pattern of light and color. अब जो लाइट और कलर है इनके बहुत से पैटर्न है जो मुसलसल हमें कंफ्यूज करते रहते हैं। The brain organize and give meanings to the limited information gathered by our senses. अब जो हमारे दिमाग का काम है वो ये है कि जो हमारी senses से हमें information मिल रही है उसको organize करे उस information को और उसको meaning दे, मतलब meaning देना मतलब उसको नाम दे दे कोई भी नाम दे दे meaningful. When sensory information is incomplete, जब हमारी sensory information नामुकम्मल होती है, brain process after create a complete perception by filling in missing detail. अगर जो है हमारी जो information है वो incomplete होती है तब भी हमारा दिमाग complete जो है perception की create करता है, जो missing होती है information उसको खुद से fill करके और complete perception create कर देता है। We fill in missing information and draw on past experience to give meaning to what we see, hear or touch. मतलब कि जो हमारे पास information missing है, हमारा जो दिमाग है उसको fill कर देता है, मतलब past experience पे उसको draw कर लेता है और उसको उस information को fill कर देता है और हम उसको organize करता है उस information को और उसको meaning दे देता है कि हम लोग क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं और क्या touch कर रहे हैं। For example, The brain can provide us with subjective contours which are lines or shapes that appear to be part of figure but actually are not present. यहाँ पे अब इन्होंने example दिया है subjective contours की। Subjective contours अब हमारे पास क्या होते हैं? The perception of contours, a line or plane that is not there but is suggested by other aspects of the scene. मतलब कि हमारी perception में ये एक line या plane होगा जो कि actually में मौजूद नहीं होता लेकिन फिर भी हम लोग इसे consider कर रहे होते हैं कि ये चीज़ ये line या ये plane जो है ये हमारे पास है। तो इन्होंने आगे example दी हुई है, example को देखते हैं। When you look at drawing in figure 7.5.1 You may perceive the various shape as having distinct outlines that are usually not there. मतलब ये जो हमें नीचे डायग्राम शो करवाई हुई है अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे जो है इंफॉर्मेशन मिसिंग है कि ये लाइन स्क्रीन नहीं दी हुई लेकिन हमारे ब्रेन ने खुद से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की और कहा कि जो तीन एंगल्स होते हैं उसको हम लोग ट्राइंगल कह देते हैं। तो यहाँ पे अब तीन एंगल्स बना के हम लोगों ने एक ट्राइंगल मतलब खुद कंसिडर कर ली। तो इसको जब हम लोगों ने कुछ ट्राइंगल को दिया हम लोगों ने इसको ऑर्गेनाइज किया इस इन्फॉर्मेशन को जो ब्रेन ने खुद से दिया है इस इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज किया और इसको मीनिंगफुल नेम दे दिया कि ये ट्राइंगल और हमने अपनी परसेप्शन जो है वो कंप्लीट कर ली।
अब आ गया ब्रेन एक्टिविटी कैन ऑल्सो क्रिएट परसेप्शन इवन इन द एब्सेंस ऑफ अप्रोप्रिएट सेंसेस स्टिमुलेशन, जो हमारा दिमाग है वो तब भी की परसेप्शन क्रिएट करता है कि जब हमारे पास जो सेंसी इंफॉर्मेशन है वो मुनासिब ना हो। जैसे इसी एग्जांपल में देखें कि हमें इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट दी हुई है लेकिन फिर भी हमारे दिमाग ने परसेप्शन क्रिएट की कि यहाँ पे एक ट्राइंगल हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। We sometimes have real experience without using the eyes. हम लोग अक्सर real experience अपना करते हैं अपनी आंखों को इस्तेमाल किए बगैर, और auditory experience without using our ears, और अपने auditory experience करते हैं अपने कानों के इस्तेमाल किए बगैर। इसके सबसे मेन examples हमारे पास जो है वो है ब्लाइंड पीपल, यहाँ पे भी इन्होंने दी हुई है। फॉर इंस्टेंस व्हेन टू ब्लाइंड फोल्डेड पर्संस आर आस्क्ड टू डिस्क्राइब देयर एक्सपीरियंस ऑफ कॉमेडी शो, अ स्पोर्ट्स इवेंट, for a dream, the detail will include numerous real and auditory reports that will be purely subjective. मिसाल के तौर पे इन्होंने कहा है कि हमारे पास टू ब्लाइंड पीपल्स हैं, उनको हम लोगों ने कहा कि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें किसी भी कॉमेडी शो के बारे में या कोई स्पोर्ट्स इवेंट के बारे में या कोई ड्रीम के बारे में। तो वो जो अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे तो वो तो सारी अपनी तरफ से होगी, मतलब अपनी तरफ से वो हमें अब अपना एक्सपीरियंस बताएंगे, हमने ये फील किया था इस शो के बारे में, लेकिन वो जो इन्फॉर्मेशन हमें बता रहे हैं वो अपनी तरफ से बता रहे हैं, वो उनको नहीं मिली, मतलब उन्होंने क्योंकि उन्होंने देखा नहीं है वो शो, लेकिन वो जो भी इन्फॉर्मेशन देंगे वो ऐसे ही होगा कि जैसे इन्होंने सेम जैसे इन्होंने ये देखा हो और सुना हो। इट इज एविडेंट दैट परसेप्शन इज नॉट सिंपली द डिटेक्शन ऑफ स्टिमुलाई बाय द सेंसरी रिसेप्टर, ये इस बात का सबूत है कि परसेप्शन लाजमी नहीं है कि जब हमें रिसेप्टर से कोई इन्फॉर्मेशन मिले या हमारा सेंसरी रिसेप्टर कोई स्टिमुलाई को डिटेक्ट करे तभी हम परसेप्शन क्रिएट कर सकते हैं। हम लोग परसेप्शन तब भी क्रिएट कर सकते हैं जब हम लोगों ने कुछ ना भी देखा हो और कुछ ना भी सुना हो। इसकी एग्जाम्पल हम लोगों ने दे दिया ब्लाइंड पीपल्स की। नेक्स्ट हमारा है बेसिक परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, सेंसेशंस आर कॉज्ड बाय योर सेंसेस सिस्टम, सेंसेशन है वो हमारे सेंसरी सिस्टम से अफेक्ट करती है। सेंसेशन हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं कि हमारा जो ब्रेन है वो ये वो अमल है सेंसेशन का कि हमारे ब्रेन को अलाउ करती है, परमिशन देती है कि वो फाइव सेंसेस से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे। तो फाइव सेंसेस है वही हमारा सेंसरी सिस्टम है विच इज बीइंग कंटीन्यूअसली स्टिमुलेटेड बाय ऑब्जेक्ट्स एंड इवन इन योर एनवायरनमेंट, जो कि मुसलसल हमारे जो एनवायरनमेंट में ऑब्जेक्ट्स हैं, इवेंट्स हैं और पीपल हैं इनसे डायरेक्टली रिलेट करती है। योर ब्रेन इन टर्न ऑर्गेनाइज सेंसेशन, जो हमारा दिमाग है वो सेंसेशन को ऑर्गेनाइज करता है इन सच अ वे इस तरीके से दैट यू कैन लोकेट एंड रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट इन द एनवायरनमेंट, कि आप उसको लोकेट कर सकें और पहचान सकें उन ऑब्जेक्ट्स को और उन इवेंट्स को जो कि एनवायरनमेंट में मौजूद हैं, एंड डिटेक्ट एक्शन और मूवमेंट ऑफ दोज ऑब्जेक्ट्स, और उन ऑब्जेक्ट्स की जो एक्शन है और जो मूवमेंट है उनको डिटेक्ट कर सकें हम लोग। अब आगे फॉर इंस्टेंस मसाल के तौर पर कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस ऑफ ऑडिटरी स्टिमुलेशन आर परसीव्ड एज स्पीच एन एयरक्राफ्ट और रनिंग वाटर, अब जो हमारा कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस है ऑडिटरी स्टिमुलेशन का वो परसीव करता है, वो मतलब रिसीव करता है क्या, स्पीच कोई भी आवाज़, कोई जहाज की आवाज़ और रनिंग वाटर कोई भी पानी पीने की आवाज़। ऐसे इन्होंने अब सिमिलरली कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ रियल स्टिमुलेशन आर एज सीन एज पीपल अ कार प्रिंटेड पेज एटसेट्रा, इसी तरह इन्होंने जो है रियल स्टिमुलेशन का कॉम्प्लेक्स पैटर्न को बताया हुआ कि हम लोग क्या परसीव करते हैं अपनी रियल स्टिमुलेशन से, हम लोग लोगों को देखते हैं, एक कार को देखते हैं या प्रिंटेड पेज को देखते हैं, मतलब कोई भी हम लोग ऑब्जेक्ट को देखते हैं। Understanding perceptual organization then is the matter of understanding how we perceive from depth and motion. किसी भी perceptual organization को समझने के लिए, इस बात को समझने के लिए ये matter करता है कि हमारी कितनी के सूझबूझ है, how we perceive from depth and motion, किसी भी चीज की perceive को हम लोग कितना उसको depth और motion से perceive कर सकते हैं, उसकी हमें कितनी understanding है। आगे हमारा principles of perceptual organization. One of our basic perceptual reactions to the environment is to select certain stimuli from all those that strike our receptors. अब जो ये बुनियादी है perceptual reaction जो कि environment से different stimuli को select करता है जो हमारे receptors के साथ continuously strike कर रहे होते हैं, and organize the parts to of experience into meaningful organized role. और उन receptors को जो strike कर रहे होते हैं हमारे receptors को उसको हम लोग find करते हैं और उसके बाद उनको ऑर्गेनाइज करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, उसका जब ऑर्गेनाइज रोल करते हैं तो उसको मीनिंगफुल नेम दे देते हैं। यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, नेक्स्ट प्रेजेंट करें।
अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट किसका है? सर मेरा है। चले करें प्रेजेंट। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज मुजाहिद हुसैन, डिटरमिनेंट ऑफ परसेप्शन। हाउ वी आर गिव्स आवर एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड डिपेंड ऑन नंबर ऑफ फैक्टर्स। कि हम अपने के जो हमारा एक्सपीरियंस है हम उसको किस तरह ऑर्गेनाइज करते हैं कि उसका अनुसार मुख्तलिफ अवामिल पर हो। दिस डिटरमिनेंट ऑफ परसेप्शन कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री जनरल टाइप्स, ऑब्जेक्टिव और फैक्टर्स, सब्जेक्टिव और पर्सनल फैक्टर्स एंड सोशल फैक्टर्स। Objective factors. Some superiors be more compelling than others to be selected for further processing and interpretation. Family दूसरों की निस्बत ज्यादा compelling होते हैं जिन्हें हम मजीद processing और interpretation के लिए select करते हैं। They tend to operate regardless of who the perceiver is. वो इससे कत नजर होकर चलते हैं कि The most common and important stimulus factor in a perceptual selection is contrast. In the मतलब बहुत ज़्यादा common और important stimulus factor वो contrast है. That is the extent to which a given stimulus is physically different from the other stimuli around it. कि वो stimuli अपने इर्द-गिर्द के मौजूद stimuli से physically show हो रही है सबको. Yes sir. जी sir. Continue. For example, we are more likely to attend to bright light at the end of dark street. हम street के ख़त्म पर एक bright light को attend करने के काफ़ी इम्कान होते हैं हमें. A white-haired old woman in a red dress, एक सफ़ेद बालों वाली बूढ़ी ख़ातून सुर्ख लिबास में, a short man walking alongside a very tall man. Intensity. We are more likely to perceive a stimulus which is more intense than other stimulus similar stimulus. हम उस stimulus को ज़्यादा perceive करते हैं जो अपनी तरह के stimulus से ज़्यादा intense होता है, शदीद होता है. Far intense. For example, a scream can be easily perceived as compared to whisper. हम चीख को जल्दी समझ जाते हैं as compared to whisper. Flash neon light or more attention grabbing than a dim light. मतलब हम neon light जो होती है, जो flashing light होती है, हम उसे उसकी तरफ जल्दी attention हो जाते हैं कि बजाय के dim light के. Familiarity. If you are out of town and find yourself in a new and different environment. अगर आप जैसे दूसरे town से हैं और अपने आप को एक मुख्तलिफ और new एक नए माहौल में आते हैं, यू आर मोर लाइकली टू नोटिस समथिंग फेमिलियर. आप उस चीज को नोटिस करने की कोशिश करेंगे जो वहाँ फेमिलियर हो. फॉर इंस्टेंस, इन अ वेडिंग हॉल व्हाइल यू फाइंड योरसेल्फ सराउंडिंग बाय हंड्रेड ऑफ स्ट्रेंज अनफेमिलियर पीपल. जब आप मतलब के आप शादी हॉल में होते हैं, अपने इर्द-गिर्द मुख्तलिफ अजीब और अनफेमिलियर वाकिफ लोगों को पाते हैं, यू इमीडिएटली नोटिस योर फ्रेंड. तो आप जल्दी से अपने दोस्त को ढूंढते हैं, नोटिस करने की कोशिश करते हैं एज सिमिलर स्टिमुलस इन अ नॉवल सिचुएशन. रिपीटेशन. यू माइट हैव नोटिस दैट आपने अक्सर देखा होगा योर टीचर रिपीट डेफिनेशन ऑफ स्टैंड टर्म्स. एक मखसूस टर्म की डेफिनेशंस को आपका उस्ताद रिपीट करता है एंड एक्सप्लेन यूजिंग डिफरेंट एग्जांपल्स और मुख्तलिफ एग्जांपल्स से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं इन ऑर्डर टू गेट योर अटेंशन, आपकी अटेंशन को हासिल करने के लिए. इफ यू ड्राइव इन अ बिजनेस एरिया, अगर आप किसी बिजनेस एरिया शॉपिंग मॉल में ड्राइव कर रहे हैं, यू विल नोटिस साइन बोर्ड. आपने साइन बोर्ड देखे होंगे पोस्टेड सेवरल साइट्स फॉर द सेम प्रोडक्ट और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. एक ही कंपनी के एक ही प्रोडक्ट के काफी साइट्स पर आपने एक ही साइन बोर्ड देखे होंगे. To get the attention of as many people, बहुत से लोगों की तवज्जो को हासिल करने के लिए. The people who write and schedule television commercials, जो लोग इश्तिहार लिखते हैं और शेड्यूल करते हैं, want to attend to their message.
वो चाहते हैं कि आप उनके पैगामात में शामिल हों. They use repetition as one of their main technique. वो repetition को use करते हैं कि जो कि उनकी एक main technique है to attract the viewers' attention, viewers के attention को attract करने के लिए. Subjective factors. Sometimes what we attend to is determined not so much by the physical characteristics of the stimuli present in our environment, but by the personal characteristics of jismani khususiyat se nahi hota, but by the personal characteristics of perceiver. Lekin perceiver ki personal zati khususiyat se hota hai. Although there are many personal factors, agarcha kafi sare bahut se personal zati maamle hain that ultimately determine the selection of our perceptions. वो हमारे perceptions जो हमारे तासुरात को मुंतखब करते हैं, we can categorize them as being a function of motivation. हम उनको दर्जा बंदी कर सकते हैं उनके हौसला अफजाई के function के तौर पर, expectation के तौर पर, या उनके past experience के तौर पर. Motivation. It is true that we often perceive what we want to perceive. ये सच है कि हम उसी चीज को देखते हैं, उसी चीज को महसूस करते हैं जिसे हम देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू ओपन अ न्यूज़पेपर एंड एक्सक्लेम विद जॉय दैट पेंटिंग एग्जीबिशन इज शेड्यूल्ड फॉर द सेम आफ्टरनून. मिसाल के तौर पर आप जब अखबार खोलते हैं और खुशी से कहते हैं कि पेंटिंग की तकरीब इसी आफ्टरनून के, वेयर इज नन ऑफ योर फैमिली मेम्बर नोटिस दिस न्यूज. हालांकि आपका कोई भी फैमिली मेंबर इस न्यूज को नोटिस नहीं करता, नहीं देखता. दिस फिनोमेना इज कॉल्ड सिलेक्टिव परसेप्शंस. इस फिनोमेना को सिलेक्टिव परसेप्शंस कहते हैं. फिजिकल साइज. ऑर्डिनरली द बिगर द स्टिमुलस, फिजिकल साइज. बिगर द स्टिमुलस द मोर लाइकली वी आर टू अटेंड टू इट. जितना बड़ा उतना ज्यादा हैं कि हम इसको अटेंड करें. तो एडवर्टाइज देयर प्रोडक्ट्स और रेस्टोरेंट और कंपनीज प्रोडक्ट की या कंपनीज के एडवर्टाइज के लिए पीपल वांट द बिगेस्ट बिलबोर्ड. लोग बहुत बिल गेट को खड़ा करना चाहते हैं. दे कैन अफोर्ड भी कर सकते हैं इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट कस्टमर. जो अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत बड़े बिलबोर्ड खड़े करते हैं, क्योंकि जैसे कि उसने पहले कहा कि जितना बड़ा स्टिमुलस होगा उतना ही ज्यादा हम उसको अटेंड करने की कोशिश करेंगे. मोशन. मोशन इज पावरफुल फैक्टर इन डिटरमिनिंग विजुअल परसेप्शन. मोशन एक पावरफुल अमामेल है विजुअल को तयन करने के लिए, विजुअल परसेप्शन का तयन करने के लिए. अ बर्ड इन अ फ्लाइट इज मोर इजीली परसीव्ड देन अ बर्ड इन अ बुश. प्रवास करते हुए परिंदे को बुश के परिंदे से ज्यादा आसानी से. परिंदा हमेशा प्रवास के लिए होते हैं, उड़ने के लिए होता है. जब कोई परिंदे का मतलब कोई जब कहता है कि परिंदा होगा, हमारे जहन में एक ख्याल आता है कि उड़ता होगा. नवल्टी. आगे नवल्टी. व्हेन इन अ ओल्ड फेमिलियर सेटिंग और एनवायरमेंट समथिंग न्यू डिफरेंट और अनयूजुअल is easily noticed as it catches our attention and we perceive it instantly. Social factors. Assalamu alaikum. My topic of presentation is social factors. Our selection of stimuli from the environment is automatic and accomplished without any conscious effort. जो हम इन्वायरमेंट से स्टिमुलाई अडॉप्ट करते हैं वो ऑटोमेटिक होती है और उसमें हमारी खुद की कोई कॉन्शियसनेस अफेक्ट नहीं होती. द प्रोसेस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सेवरल फैक्टर्स. जो स्टिमुलाई हम सिलेक्ट करते हैं ये काफी फैक्टर्स से ये असरअंदाज हो सकती है. सम ऑफ दीज डिटरमिनेंट्स ऑफ परसेप्शन आर एसोसिएटेड विद ईदर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टिमुलाई और नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परसीवर. जो हम स्टिमुलाई लेते हैं वो ना ही फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक की स्टिमुलाई हो सकती है और वो अफेक्ट नहीं कर सकती और ना ही वो परसीवर की कैरेक्टरिस्टिक से परफेक्ट अफेक्ट हो सकती. इंस्टेड दे आर डिटरमाइंड बाय द सोशल फैक्टर्स.
डेट इज़ वैल्यू और एटीट्यूड वी आर एक्वायर्ड ड्यूरिंग दी सोशलाइजेशन प्रोसेस, बल्कि ये वो स्टेमुलाइज होती हैं जो स्टेमुलाई होती हैं जो हमारे सोशल एटीट्यूड से, जो हमारे सोशल एटीट्यूड वगैरह से अफेक्ट होती हैं. सोशल एंड रिलीजियस वैल्यूज, इट इज़ ट्रू डैट वी ऑफ्टन परसीव वट वी वॉन्ट टू परसीव, हम ये जानते हैं कि हम वही परसीव करना चाहते हैं चीज़ जो हम, तो हम वही परसीव करते हैं जो हम परसीव करना चाहते हैं. नोटिस डैट एंड डू नॉट नोटिस डैट स्टिमुलाई डैट डू नॉट हैव एनी डायरेक्ट बेयरिंग ऑन आवर एक्शन. फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर, इफ वी आर ड्राइविंग ऑन अ हाईवे फ्राइडे आफ्टरनून एंड वी आर एंशियसली लुकिंग फॉर द मोस्ट टू ऑफर फ्राइडे प्रेयर्स, ये आम सी बात है हमारे लिए. जब हम एक हम ड्राइव कर रहे हों फ्राइडे को, तो हम मस्जिद की तरफ देखते हैं क्योंकि हम नमाज अदा करना चाहते हैं. हम किसी और हर चीज़ को असरअंदाज कर देते हैं, हमारा सिर्फ फोकस ये होता है कि हमने नमाज पढ़नी है. एज यू मे रिस्पॉन्ड टू सेवरल अदर स्टिमुलाई, तो हम दूसरी जो होती हैं स्टिमुलाई उन्हें हम इग्नोर कर देते हैं. सिमिलरली, इसी तरह से एक और एग्जाम्पल है, जब हम व्हेन द होली काबा इज पोर्ट्रेटेड ऑन द ऑन द टीवी, इट इज परसीव डिफरेंटली टू बाय दोज हु हैड द प्रिविलेज ऑफ विजिटिंग इट, those who have never been there and those who are Muslims. ये हमें पता है कि जब हम होली काबा की पिक्चर हम टीवी पर देखेंगे, तो वो जो 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 लोग उसे विजिट कर चुके हैं, तो वो उन्हें किसी और तरह से अफेक्ट करेगी. जो उन्हें विजिट नहीं कर नहीं करें नहीं किया उन्होंने, उन्हें किसी और तरह से अफेक्ट करेगी. और जो नॉन मुस्लिम्स हैं उन्हें किसी और तरह से अफेक्ट करेगी. इसी तरह से आगे है पोलिटिकल कॉन्शियसनेस किस तरह से अफेक्ट करती है सोशल फैक्टर्स को. समटाइम्स what we attend for further processing of perception is largely determined by our political consciousness and we modify our attitude accordingly. political consciousness bahut affect karti hai social factor mein kis tarah se. political leaders often label themselves rightist or leftist or distinction which may reflect their political orientation. political leader khud ko haq parast wagaira sabit karti hain jo ye unke political ओरिएंटेशन को साबित करती है कि वो रिफ्लेक्ट करते हैं कि उनका पॉलिटिक्स पे कितनी ग्रीप है. इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड्स, मोस्ट पीपल आर इंटरेस्टेड इन देमसेल्फ, लोग खुद के अंदर सब लोग खुद के अंदर इंटरेस्टेड होते हैं वेदर दे लाइक टू एडमिट इट नॉट. हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग खुद को पसंद करते हैं कि वो ओपनली इसको एडमिट करते हैं नहीं करते हैं, वो उन पर डिपेंड करता है. लेट अस रिकॉल एन ईद मिलन पार्टी विच व्हेन वी आर सडनली अट्रैक्टेड बाय आवर कन्वर्सेशन ऑन हेयरिंग आवर नेम. ये एक सिंपल सी चीज़ है, हमें पता है जब हम किसी पार्टी वगैरह में होते हैं, तो हम अगर कोई लोग हम ग्रुप में हमारे बारे में बात कर रहे होते हैं, तो हमारा नाम ले रहे होते हैं, हम फौरन अट्रैक्ट होते हैं, हम सुनना चाहते हैं कि वो हमारे बारे में क्या बात कर रही है. सिमिलरली, इसी तरह से एक और एग्जाम्पल है, मैनी टीचर्स हैव लर्न द ओल्ड लेसन दैट द इंटरेस्ट ऑफ इनएक्टिव स्टूडेंट इन द क्लास कैन बी क्विकली रिस्टोर्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग समथिंग नॉवल और डिफरेंट. टीचर्स स्टूडेंट को इनएक्टिव स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, लेसन की तरफ उनको तवज्जा करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ इंटरेस्टिंग चीज़ इंट्रोड्यूस करवाती हैं लेसन के अंदर, जिससे स्टूडेंट की तवज्जा टीचर की तरफ डाइवर्ट हो जाती है. फॉर एग्जांपल, व्हेन द टीचर सेज़ योर नेक्स्ट एग्जामिनेशन विल स्टार्ट ऑन मंडे, जब हम टीचर ये अल्फाज कहेगा, तो हम फौरन टीचर्स की तरफ देखेंगे कि उन्होंने क्यों अचानक कोई नई बात कर दी. और शी सेज़ वी आर गोइंग फॉर अ पिकनिक ऑन संडे, यहाँ वो ये कह दे कि हम पिकनिक ले गए हैं, कि दोनों फ्रेजेज हैं. ये जब टीचर्स बोलेगा तो हम आई, अगर तो नहीं भी होगी तो हम फोन टीचर की तरफ हम देखेंगे कि टीचर्स क्या करना चाह रही है, कोई नई बात इशारा कर दिया. इट इज रियली सरप्राइजिंग टू सी सो मेनी हेड्स टर्न टुवर्ड्स टीचर्स एज सून एज शी मेंशन दीज की मोटिवेटिंग टर्म्स. जैसा कि हमने बताया, जब वो ये मेंशन करेंगे टर्म, तो हम टीचर की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे. मोस्टली एनी एक्टिविटी इन विच वी हैव डेवलप्ड एन इंटरेस्ट विल क्विकली कैप्चर्ड आवर अटेंशन. ये बात हमें बताया, जिस एक्टिविटी में हमारा इंटरेस्ट होता है और कोई इसके बारे में बात कर रहा होता है, हमारी अटेंशन फौरन उस तरफ जाती है. अ चाइल्ड मे अटेंड टू द टाइटल म्यूजिक ऑन अ फेवरेट टीवी प्रोग्राम वेदर द एडल्ट मे टोटली इग्नोर इट. एक चाइल्ड जो होता है वो के कोई म्यूजिक या लगा हुआ है, वो बच्चे वगैरह अट्रैक्ट करेंगे, एडल्ट उसे इग्नोर कर देंगे. The motivating force of TV commercial, newspaper advertisement and social political events depends on our interest, attitude and habits. हमें पता है कि
हम जो डिबेट देखना चाहते हैं कि वो हर इंसान को डिफरेंट तरह से उसकी हैबिट एटीट्यूड के मुताबिक इफेक्ट करेगा, फाइट्स पर सकते हैं आगे। Perception refers to the experience you have been organized and fashioned into meaningful patterns. ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि perception होती क्या है। Perception क्या होती है कि अगर sensation को meaningful pattern में organize कर लें तो वो हमें perception मिल जाती है। Generally your perception are relatively accurate reflecting of reality. हमारी जो perception है वो reality को accurate बयान करती है। However in some cases कुछ केसेस ऐसी होती हैं जिनमें परसेप्शन रियलिटी को बयान नहीं, रियलिटी चेंज हो जाती है हमारे एक्सपीरियंस के मुताबिक। यानी कि अगर किसी हमारे ख्यालात किस चीज़ के बारे में बदल जाते हैं अगर वो चीज़ हमने खुद एक्सपीरियंस की हुई हो, लेकिन अगर कोई दूसरा पर्सन उस चीज़ को एक्सपीरियंस ना किया हो तो उसके लिए उस चीज़ के बारे में उसके ख्याल कुछ और होंगे। इस तरह से हमारे किसी परसेप्शन की रियलिटी चेंज हो सकती है अकॉर्डिंग टू आवर एक्सपीरियंस। आगे इसी तरह से वो कहते हैं ये perceptual process actually work either to reflect, change or distort reality. आगे है form and pattern perception. Form perception refers to the recognition and identification of shapes, words, pictures, faces and so forth. Babies recognize the facial characteristics of their parents and react pleasantly to those faces. हम जानते हैं जैसा कि बच्चे अपने parents के faces से similar हो जाते हैं तो वो जब उन्हें देखते हैं तो वो खुशगवार एहसास, वो खुशगवार यानी कि वो खुश होते हैं अपने पेरेंट्स के फेस को देख के। Contrary to that, the sight of unfamiliar faces might make them cry. अगर कोई स्ट्रेंजर का फेस देख ले, कोई स्ट्रेंजर उन्हें उठाएगा तो उसका चेहरा देखेंगे तो रोना शुरू हो जाएंगे। The students can easily select the books of their choice from a large collection of books on various subjects placed on the shelves of the library. हम जानते हैं अगर बहुत सारी किताबें रखी हो लाइब्रेरी के अंदर तो हम कौन सी बुक पिक करेंगे। ऑफ कोर्स जिसमें हमें इंटरेस्ट होगा, जो हमारा सब्जेक्ट होगा हम वही बुक पिक करेंगे। रैट्स, पिजन्स एंड मैनी अदर एनिमल्स कैन इजीली लर्न टू डिस्क्रिमिनेट अमंग डिफरेंट ज्योमेट्रिकल डिजाइन सच एज ट्राइंगल, स्क्वायर्स एंड सर्कल व्हेन दे आर पेयर्ड विद सर्टेन डिवाइड्स। rats, pigeon and other animals are distinct फर्क कर सकती हैं कि geometrical shapes के अंदर जब हम एक उन्हें certain rewards देंगे। Each of these examples illustrate the organization of a set of stimuli that are organized, that are arranged in such a way that they consider a form or pattern. ये सारी जो ऊपर एग्जाम्पल पड़ी हैं ये हमें इलस्ट्रेट कहाँ हमारी रोशनी डालती हैं कि इसमें फॉर्म एंड पैटर्न बनाती हैं। दी न्यूरल आगे एग्जाम्पल और है, दी न्यूरल इक्विपमेंट इन दी विजुअल सिस्टम दैट इज रिक्वायर्ड फॉर परसेप्शन ऑफ फॉर्म टू सीम एग्जिस्ट इन ह्यूमन बॉडी एट बर्थ, बट द टैलेंट बट द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड डिस्क्रिमिनेट पैटर्न डेवलप लेटर ड्यू टू लर्निंग रादर देन ड्यूरेशन ऑफ द विजुअल सिस्टम। पता नहीं इसका मीनिंग क्या है, मुझे खुद भी नहीं समझ आई थी। सर अगर आपसे हो सके तो ये रिपीट कर देना एक बार ये पैराग्राफ को समझ में। ये है फॉर्म एंड पैटर्न डिसेप्शंस में सेकंड पैराग्राफ है, द न्यूरल इक्विपमेंट इन द विजुअल सिस्टम दैट इज रिक्वायर्ड फॉर परसेप्शन। अच्छा, द न्यूरल इक्विपमेंट इन द विजुअल सिस्टम दैट इज रिक्वायर्ड फॉर परसेप्शन ऑफ form seems to exist in human being at birth. जब बंदा दुनिया में आता है ना उसके अंदर वो औलाद वो कुदरती तौर पे जो चीजें होती हैं जो कि perception में जिनकी जरूरत होती है वो सारी चीजें उसके अंदर पहले से मौजूद होती हैं जब वो बंदा इस दुनिया में आता है। But the ability to recognize and discriminate pattern develop later. लेकिन जो इसकी सलाहियत होती है कि वो चीजों को पहचाने और चीजों के दरमियान फर्क करें वो विद द पैसेज ऑफ टाइम है ना डिवेलप होना शुरू हो जाती है ड्यू टू लर्निंग, क्योंकि हम सीखते हैं, हम दो चीज़ों में फर्क करना सीख लेते हैं चीज़ें। देन मैच्योरेशन ऑफ द विजुअल सिस्टम, फिर हमारा जो विजुअल सिस्टम होता है ना वो मैच्योर हो जाता है। यानी कि उसके कहने का मतलब ये है कि जितने भी परसेप्शन में ऑर्गन्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं वो बाय बर्थ ही मौजूद होते हैं, लेकिन जो हम
वक्त के साथ साथ सीखते हैं। म्यूजिक की आवाज आ रही है फैन बेटा, इसको थोड़ा सा बंद कर। एक मिनट, अच्छा मेरी बात सुनो। मैं एक मैं अभी मैं मेरा बेटा चले मैं लगा कर एक मिनट। अच्छा जी, इसमें ये बेसिकली कहा गया है कि जो आपका एक निज़ाम है अल्लाह ताला ने देखने के लिए सेंसेस वगैरह या परसेप्शन का जो भी उजलास वगैरह है वो पहले से मौजूद होते हैं, लेकिन उसको यूटिलाइज करते हैं हम, और उसके दरमियान जब हम चीज़ों में फ़र्क करना सीख जाते हैं या चीज़ों को पहचान करना सीख जाते हैं, ये लर्निंग के थ्रू होता है। जैसे जैसे टाइम गुजरता है ये चीज़ हमारी बेहतर होती जाती है, तो हम फिर ये कहने के काबिल हो जाते हैं कि जो हमारा विजुअल सिस्टम है ना वो मैच्योर हो चुका है, कि हम चीजों में फर्क करना सीख चुके हैं। आगे पढ़ें। One group of psychologists has been especially concerned in exploring how we perceive shapes or forms in our environment. The Gestalt psychologist, हमारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो